शाम से रात हो गई, दोनों का पता ही नहीं है। बिल्कुल फोन करो उनको। आते ही होंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था। वो बख्तियार भाई कह रहे थे कि वो उन्होंने उजाला को पुलिस स्टेशन से ले लिया, बस अभी घर ही आ रहे हैं। क्या स्टेशन? वहाँ क्या कर रही है वो? और तुम्हारी बख्तियार से आधे घंटे पहले बात हुई थी और तुम हमें अब बता रही हो? भलाई का तो जमाना नहीं है, मैंने सोचा पुलिस स्टेशन का सुनकर आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया। अल्लाह खैर, कहीं मेरी बच्चे के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? पता नहीं भीजान, वो बख्तियार भाई इतने परेशानी में थे कि सही से बात नहीं हो पाई उनसे। संभालो ऐसे। उजाला, बख्तियार, बेशरम, बेहया, इसलिए तुम्हें नौकरी की इजाजत दी थी कि तुम लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती फिरो? गाड़ियों में घूमो, हमें बदनाम करो? ये आप क्या कह रहे हैं बख्तियार? शर्म से सर झुका दिया तुमने वजाहत साहब के सामने मेरा? क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह गई होगी हमारी? ऐसी हरकत कोई भी शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती करने का। बख्तियार, हुआ क्या, प्लीज बताएंगे आप इसे पुलिस स्टेशन से क्यों ला रहे हैं? मैं इसे पुलिस स्टेशन से? मैं बोल भी नहीं सकता हूं, इतनी शर्म की बात है। आप बताएं ना, कुछ बता क्यों नहीं रहे? अरे, इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने हमारे घर का। मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम इस तरह हमारा मुंह काला करवाओगी। अरे सीधी तरह फूटो ना, क्या किया इसने, क्या गुल खिलाया है? इसके सुहेब के साथ ताल्लुकात है। हमारी आंखों में धूल झोंक के ये छुप छुप के उससे मिलती रही है। पुलिस ने एक सुनसान सड़क पे इन दोनों को गाड़ी में पाया और गिरफ्तार करके ले गए अपने साथ। क्या?